मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरी पाइए मन ही की प्रतीत। इस दोहे को समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन्स में हिस्सा ले चुका था, लेकिन कभी भी रेस पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीते या हारे मायने नहीं रखता, पर वो रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे जितने भी और आसपास उसके रेसर्स थे, वो सब आगे निकलते रहे, मगर हरीश थक गया। थक कर वो रुक जाता है। फिर उसने खुद से कहा, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं रेस पूरी करूंगा, लेकिन दौड़ने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो सोचता है, दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया, वो धीरे धीरे चलने लगा। वो आगे जरूर बढ़ रहा था, मगर वो बार बार बहुत थक रहा था, और थकने के कारण वो नीचे गिर गया। फिर उसने खुद से कहा कि कैसे भी करके आज दौड़ पूरी करनी है, तो वो जिद कर वापस उठता है। अब चल रहा है, लेकिन लड़खड़ाते हुए धीरे 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 चलता जाता है। अंत में उसने अपनी रेस पूरी कर दी। माना कि वो रेस हार चुका था, वो जीता नहीं था, लेकिन आज उसका विश्वास जीत गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने अपनी रेस पूरी करी है, वरना आज तक वो रेस पूरी नहीं कर पाता। आज माना उसे चोट लगी, वो जमीन पर गिर गया, लेकिन वो मन से बहुत खुश था, क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया। कबीर दास जी इस दोहे में यही समझा रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो जीत के भी दुखी है, नाराज है, डिप्रेस्ड है, लोगों से जल रहे हैं, और ऐसे कई हैं जो भले ही हार गए हैं पर फिर मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि वो मन से नहीं हारे। जब तक मन से नहीं हारोगे, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। और जिस दिन मन से हार गए, उस दिन जीत के भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम जीते या हारे ये सिर्फ हम पर डिपेंड करता है, ना ही लोगों पर, ना ही हमारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स पर, ना सिचुएशंस पर, सिर्फ और सिर्फ हम पर। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ वॉज नेवर अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट वॉज ऑलवेज अबाउट लर्निंग, एंड इफ यू आर हियर टू लर्न, यू विल नेवर लूज।